हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। यूं तो प्रेगनेंसी किट से हम लोग बहुत ही आसानी से, बिल्कुल इनिशियल डेज में जैसे ही हमारे पीरियड ओवर होते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग चेक कर लेते हैं प्रेगनेंसी किट की हेल्प से कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि प्रेगनेंसी किट जहाँ तो हमें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देती है कि यस वी आर प्रेग्नेंट, अब हमारे हमारी फैमिली में मतलब एक नया मेंबर आने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हमारे घर पे हो जाता है। प्लस हम भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशली अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो बहुत ज़्यादा वेट रहता है, मतलब कि इतना ज़्यादा वेट रहता है कि इंतज़ार ही नहीं होता है कि मतलब पीरियड्स आने का जो टाइम रहता है ना उसका भी वेट नहीं हो पाता, और उससे पहले ही हम लोग चेक करने लगते हैं। और अगर जैसी लाइन जो है, दो लाइन दिख जाए तो खुशी का माहौल जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। फ्रेंड्स, अब खुशियाँ चार गुनी बढ़ जाती हैं अगर किट की हेल्प से हमें थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा लग जाए कि होने वाला बेबी जो है वो क्या होने वाला है। अगर हम लोग फर्स्ट टाइम मॉम हैं तो बस ये जान लेना ही बहुत रहता है कि किट से दो लाइन आ गई हैं, यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। बट अगर हम सेकेंड टाइम मॉम बन रहे हैं तो, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि फैमिली कंप्लीट हो जाए, अगर फर्स्ट बेबी गर्ल है तो बॉय मतलब आ जाए तो बेस्ट है, और बॉय है तो गर्ल आ जाए, जैसे कि मतलब जिसकी वजह से जो है फैमिली जो है हमारी कंप्लीट हो जाए, ऐसा सोच के हर कोई जो है प्रेगनेंसी को प्लान करता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, विद लॉजिक आप लोगों को बताऊंगी कि किट की हेल्प से किस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होने वाला बेबी जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, तो फ्रेंड्स यूँ तो कई सारे तरीके होते हैं, मतलब कई सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये जो साइन एंड सिम्टम्स हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये दरअसल हम लोगों के या आप लोगों के अपने ही एक अनुभव है, जो कि कई सारी महिलाएं जो होती हैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सपीरियंस करती हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। फ्रेंड्स, तो इसीलिए क्या है, मैक्सिमम टाइम पे जो ये भी अनुभव होते हैं या जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो मतलब मोस्ट ऑफ टाइम पे सटीक बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये गलत निकलते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताती हूँ किट की हेल्प से किस तरह से जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है लड़का या लड़की होने का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि किट से जो है एटलीस्ट 7 to 10 days में आप लोग किट को यूज़ करो, या यानी कि मतलब चेक करो एटलीस्ट 7 to 10 days के अंदर, क्योंकि जितना की प्रेगनेंसी के लिए SCG हार्मोन्स चाहिए उसको बनने के लिए एटलीस्ट 7 to 10 days का टाइम जो है लगता है, ऐसा साइंस का मानना है। बट क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी चेक कर लेते हैं तो जिससे समटाइम्स जो है रिज़ल्ट कभी कभी गलत भी हमारे सामने आ जाता है, या कभी कभी SCG हार्मोन्स कम होने की वजह से बहुत ही हल्की पिंक लाइन सामने आती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर लड़का है तो लाइन कैसी मतलब आनी चाहिए, और लड़की है तो लाइन किस तरह से आएगी। फ्रेंड्स, तो देखो, अगर मतलब ऐसा साइंस मानती है कि बेबी बॉय के टाइम पे SCG हार्मोन्स जो है महिला के शरीर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी थोड़ी सी वीक होती है आम तौर पे भी, ऐसा मतलब हम सबको पता है कि वुमेंस जो है वो एज़ कम्पेयर टू मेंस थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और सहनशील होती हैं, तो माँ के पेट में भी सेम रहता है। फ्रेंड्स, होता ये है कि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी जो है वो बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी से थोड़ी सी वीक मानी जाती है, क्योंकि बेबी बॉय पेट से बाहर भी थोड़े वीक होते हैं और पेट के अंदर भी थोड़े से वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल। तो इसकी वजह से, क्योंकि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी थोड़ी सी वीक होती है, इसकी वजह से जो बॉडी है उसको ज़्यादा SCG हार्मोन्स बनाने पड़ते हैं ताकि बॉय वाली जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रहे और सही से बेबी ग्रो अप हो सके, जिसकी वजह से जो है किट में लाइन एकदम से बिल्कुल रेड कलर की डार्क लाइन सामने से निकल के आती है लड़के होने के टाइम पे। अब हम बात करें बेबी गर्ल की, क्योंकि गर्ल की प्रेगनेंसी ऑलरेडी ही स्ट्रांग होती है तो बॉडी जो है कम SCG हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, बॉडी को कम SCG हार्मोन्स प्रोड्यूस करने की आवश्यकता होती है। अब कम SCG हार्मोन्स बनते हैं जिसकी वजह से बेबी गर्ल के टाइम पे मोस्ट ऑफ टाइम पे आप लोग नोटिस कीजिएगा, मेरे को भी अपना अनुभव है, मेरे को भी बेटियों के टाइम पे लाइन जो है वो हल्की ही पिंक कलर की लाइन मुझे आई थी, जबकि छोटी बेटी के टाइम, बड़ी के टाइम पे तो मैंने 3 दिन बाद चेक किया था और छोटी के टाइम पे मैंने 1 हफ्ते बाद चेक किया था, तो फ्रेंड्स लाइन दोनों टाइम पे जो है पिंक कलर की ही मुझे सामने से दिखी थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको साइंस और पर्सनल दोनों टाइप का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। साइंस कहती है बॉय के टाइम पे ज़्यादा एसटीजी बनता है इसलिए लाइन डार्क आती है, और गर्ल के टाइम पे कम एसटीजी बनता है बॉडी में इस वजह से लाइन हल्की आती है। और मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, दोनों के टाइम पे लाइन जो है हल्की बन के आई थी। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी ये एक्सपीरियंस आपके ज़रूर काम आएगा। मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।